आप प्रिवेंशन के लिए यानी कि किसी भी शुगर की बीमारी को रोकने के लिए ऐसी कौन सी रूटीन में अपनी खुराक लें जिससे शुगर होने से पहले ही बंदा उसको कंट्रोल में कर सके, हो ही ना? वेरी गुड क्वेश्चन. हुई नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन. और उससे पहले आप बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. तो ये मुझे बताइए इसका क्या फायदा है? क्या मुझे तो लगता है बड़ा ये ड्राई होता है, ये नहीं इस्तेमाल करना. ये खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. कोकोनट ऑयल जो है प्लांट बेस्ड दी बेस्ट फैट्स हैं. आपको अगर खाना भी इसमें पकाएं, असल में आपका जो एक्सपीरियंस नॉर्मली हुआ है ना, वो कोकोनट ऑयल ऐसा होता है जो इम्पोर्टेड है, उसके अंदर स्मेल आती है. बिल्कुल. ये हमने कोकोनट इम्पोर्ट करके वर्ल्ड बेस्ट कोकोनट जो था उससे खुद निकलवाया, इसमें एक तो स्मेल नहीं होगी. आप सारे खाने इसमें बनाएं, आप इसमें पुलाव बनाना चाहते हैं, इसमें ऑमलेट बनाना चाहते हैं, मैं खोल के स्मेल सूंघ लूं फिर तो वापस ही लेके जा सकेंगे. हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त है. दूसरी बात, आप बॉडी मसाज के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों का पित्ता निकल जाता है, गॉल ब्लैडर रिमूव, अब उनको फैट्स वो कोई भी खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि पित्ते के अंदर बाइल होती है जो डाइजेस्ट करती है फैट्स को. तो ऐसे लोग अपना खाना सिर्फ कोकोनट ऑयल में बनाए, इसका पराठा बनाए. सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, हमारी बड़ी प्यारी सी कॉलर है तलत आंटी, तो मैं चाहूंगा उनको वेट ना कराएं, मुझसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, और आप हलीमा और हुमायूं, आप लोग खैर खैरियत से? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. अब आज तो जो है ना, आज का जो पूरा मैंने दरमियान में कॉल नहीं की, मैंने कहा अब चलो एंड पे होने वाला है. ये मेरी छोटी बहन है ना, उसको शुगर है. अच्छा, तो अच्छा. उस हवाले से ये मैं सुनना चाह रही थी. तो आपको ये मैं सच बात बताऊं कि कुछ हमारे यहाँ बस ये अल्लाह का करम है या हमारे माँ बाप ने तरबियत ऐसी की है कि वो इन मामलों में बड़ा अपना ख्याल रखती है. वो माशाल्लाह बहुत इतनी जो है. अच्छा, अब ये कि कभी अगर एक दफा कभी ज्यादा हो जाए ना तो नेक्स्ट टाइम वो कंट्रोल कर लेती है. अब अल्लाह का शुक्र है लाख. अच्छा, आज और अपनी जैनब कैसी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह. आज मैं जैनब से बात करना चाहूंगी. जी जी, करवाएंगे आप? जी जी जरूर, आप कम करें, आप बात कर रही है. जैनब आपके सामने है. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं जैनब बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है. आज बस मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए फोन किया. जी जी बताएं. तुम्हारी बातें जो होती है ना, देखो मैं हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश, अब मेरी अपनी कोशिश होती है, इंसान हूँ कि पॉजिटिव चीजें देखूँ मैं. जी. तो मैं जिस वक्त तुम चीजों की तरकीबें और जो उनका वजन और जो चीजें बताती हो ना, मुझे यकीन करो मुझे अम्मी का लबो लहजा याद आ जाए. माशाल्लाह. चले, बहुत हमारी अम्मी ने हमें हाथ पकड़ के पकाना नहीं सिखाया. हाँ. वो हमें कहती थी ये कर लो ये कर लो ये कर लो. सही सही. और जिस वक्त बोलती हो ना तो मैं बस पुराने जमाने में खो जाती हूँ. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. और वाकई अब तुम अच्छी अम्मी भी होगी वैसे. बिल्कुल. इंशाल्लाह ब्यूटीफुल. अल्लाह ताला तुम्हें बहुत आंटी सलामत रहे. रीमा आप कैसी हैं? हुमायूं कैसी हैं? बस अच्छे हैं जी. अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी दुआओं से लोगों ने मुझे सुबह रिकॉग्नाइज किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. हमेशा की तरह जी, हमेशा की तरह आप बहुत अहम है हमारे लिए. नहीं नहीं, आप जो है ना ये अच्छी बात है ये, और हमारे अंदर ये होना चाहिए. और आपके डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वो एक प्रेशर नहीं डाल रहे. बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो खुद इस मरहले से गुजर चुके हैं ना. जी, जी, तो जी. उसमें जो है जो इस मरहले से गुजर चुका होता है ना, वो अब उन चीजों की तकलीफ को या अज़ियत को महसूस करता है.